हाँ, तो हम रेंज के मेथड देखेंगे कि और सेल के सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा वर्कबुक, पूरी फाइल को कैसे एक्सेस करना है, शीट को कैसे एक्सेस करना है, अब देखेंगे सेल को कैसे एक्सेस करना है, सेल के कितने मेथड है। तो सेल के लिए हमारे पास होता है रेंज, जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में हम सेल का नाम देते हैं। ठीक है। जैसे मैं करता हूँ A1 डॉट सिलेक्ट, तो यहाँ है कहीं भी सिलेक्टेड है, जैसे मैं इसको प्ले करूंगा ये क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है तो डॉट लगा के इनके मेथड होते हैं, जैसे सेल है ना, जैसे रेंज है पूरा, अब उस पर क्या क्या काम हो सकता है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस ठीक लिस्ट है में डॉट लगाते ही पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो क्या ठीक क्या हो है सर, एक सकता चीज समझनी थी है। हाँ सुजीत सर ने ना मेरे को ठीक से ये समझाया नहीं था कि मेथड और प्रॉपर्टी में फर्क क्या होता है। मेथड और प्रॉपर्टी में देखिए, मेथड्स क्या होते हैं कि नॉर्मल मैक्रोस होते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज को आप समझ सकते हैं फंक्शन, मैक्रो और फंक्शन में डिफरेंस पता है आपको? मतलब आपको समझा नहीं सकता, लेकिन नहीं मेरे को नहीं पता होगा, नहीं नहीं पता। देखिए मैंने आपको बताया था उसमें भी, देखिए जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए इसमें मुझे वैल्यू चेंज करनी है, मैंने क्या किया, एक मैक्रो बनाया और इसमें डॉट वैल्यू करके कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो A1 में देख रहे हैं कि हाई आ चुका है अपने आप, ठीक है। उसी की जगह मैं फंक्शन बनाता हूँ, ABC, इस पर मुझे वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, तो ABC इसी के नाम से, तो ABC इक्वल टू मैं कर देता हूँ, यही कर देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन है, और फंक्शन कैसे कॉल होता है, यहां से ABC यहां लिख दिया मैंने, सेम चीज आई, पर दोनों में डिफरेंस क्या रहा, एक ने काम कर दिया अपने आप, ठीक है जी, जो मैक्रो करता है। मैक्रो ने क्या किया कि मतलब यहाँ पे जैसे कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, पाइवट टेबल लगानी है, जो यहाँ पे जाके चार्ट इंसर्ट करना है, ये सारे काम मैक्रो करता है। फंक्शन क्या करता है कि इधर से उधर वैल्यू ट्रांसफर करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है जी। तो आपने देखा कि ये वैल्यू इस सेल में लगा दी इसने, यही चीज प्रॉपर्टी करती है, ठीक है जी। मेथड और प्रॉपर्टी में डिफरेंस है कि जब मैं इसको कहता हूं कि रेंज A1, चलिए A2 करवा लेते हैं, A2 डॉट सिलेक्ट, तो इसमें वैल्यू का तो कोई काम नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, माउस से मूव कर दे रहा है, सिलेक्ट कर रहा है ना, ठीक है जी। तो ऐसे हो गए मेथड। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वैल्यू ट्रांसफर करे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं डॉट वैल्यू जो लग रहा है, ये प्रॉपर्टी है जिसमें हाई की वैल्यू इसके रेंज में चली गई है, समझे ना, नहीं समझे। हाँ जी सर, समझ गया। जिसके अंदर तुम वैल्यू दे देते हो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई है ना। हाँ, जिससे अब वैल्यू भी दो तरह की होती है, रीड ओनली प्रॉपर्टी भी होती है कि जिसको आप खाली पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे वैल्यू दोनों दो तरह से यूज किया जा सकता है, जैसे एक में तो मैंने उसमें वैल्यू के थ्रू इनपुट कराया, और एक में मैं इससे डिमांड कर रहा हूं कि मुझे बताओ कि उसके अंदर है क्या, ठीक है जी। रेंज A1 डॉट वैल्यू, अब इस केस में क्या हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा, इससे डिमांड की जा रही है, ये प्रॉपर्टी एज ए मेथड काम करेगी और ये वैल्यू उठा के इसको दे देगी मैसेज बॉक्स में, ठीक है ठीक जी। है। ये दोनों तरफ से काम कर सकती है, वैल्यू ले भी सकती है, दे भी सकती है, ठीक है जी। ठीक है।
पर रहेगी वैल्यू पे ही। प्रॉपर्टी का मतलब वैल्यू से ही होता है बस, ठीक है। अच्छा जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ना, आप उसको किसी में ट्रांसफर कर दो या फिर उससे वैल्यू ले लो, सेव करा दो चाहे वापस रिकॉल कर लो उससे, है ना। बस ये वेरिएबल का एक बड़ा भाई मान लीजिए प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये फंक्शन की तरह डिक्लेयर होती है, ठीक है जी। ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है, और कुछ है? तो जैसा कि मैंने दिखाया कि अभी हमें इसके थ्रू वैल्यू ट्रांसफर करा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिलेक्शन के और मेथड देखते हैं। एक तो आप रेंज को A1, A2 इस तरह से ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, A1 और A4, दो तीन कितने भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने दो सेल ले लिया और मैंने क्या किया, इनका इंटीरियर डॉट कलर। इंटीरियर एक मेथड है जिसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है कलर, ठीक है जी। ये जो उंगली का साइन करके दिखाते हैं ना, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। और मेथड अगर जानने हो तो मेथड वो होते हैं जो ये डॉट का सा साइन, ये जो ये हरे सा साइन दिखा रहे हैं ये मेथड है, और जैसे ये है ये प्रॉपर्टीज है। इसमें देखेंगे एक्टिवेट एड कमेंट, ये कुछ ना कुछ मतलब वो कर रहे हैं। अगर ब्रैकेट में भी वैल्यू लेके जा रहे हैं ना तो भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी वो मैक्रो या फंक्शन ही मानेंगे उसे, ठीक है जी। जो एक सेकेंड फोन आ रहा है अननोन नंबर से, एक सेकेंड। हेलो, ठीक है जी। तो इसमें आप दो वेरिएबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये दिखा रहा था कि जब मैं डॉट लगाता हूँ तो ये जो हरे वाले दिखा रहा है ये मेथड्स हैं अपने, और बाकी प्रॉपर्टीज हैं। ये जो दूसरी उंगली से करके दिखा रहा है लिस्ट का साइज, वो प्रॉपर्टीज हैं। तो मेथड प्रॉपर्टी दो चीज होती है, प्रॉपर्टी हमेशा वैल्यू के बारे में होती है। मेथड भी वैल्यू ले सकता है पर वो कुछ ना कुछ काम करवाएगा। जैसे ये बोल रहा है एड कमेंट, तो कमेंट के लिए वो इंसर्ट कमेंट तो कहीं करेगा, ओके, है ना। जैसे अगर मैं इसको लू एड कमेंट, तो ब्रैकेट के अंदर जो मैं ये दे रहा हूँ तो ये मेथड ही डिक्लेयर है, प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी हमेशा इक्वल टू के थ्रू चलेगी, इक्वल टू का साइन चाहिए, ठीक है जी। ठीक है। तो सर एक चीज पूछनी थी, हाँ जी। जैसे कि जो आपने एड कमेंट किया, ठीक है, इसके आगे आपने ब्रैकेट लगा के वहां डालना शुरू किया कमेंट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एड कमेंट यहाँ पे डालना है कि कहीं और पे डालना है, कि वो कब डालना है? देखिए सिंपल सा तरीका है उसके लिए, जैसे वैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आप ऐसे कई बार मैं क्या करता हूँ, जैसे मैसेज बॉक्स करके और यहाँ लिख देता हूँ बस खाली, है ना, या फिर डायरेक्ट दे देता हूँ। पर वैसे रूल क्या कहता है कि आपको इक्वल टू लगाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इक्वल टू लगाना चाहिए अगर वैल्यू ट्रांसफर करनी किसी को देनी है। बट वीबीए में एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे मेथड और फंक्शन, मेथड जो है हमारे दो तरीके से काम करते हैं। देखिए एक तरीका है स्पेस, स्पेस करके अगर ये मेरा मेरे को दिखा देता है तो मैं इसको स्पेस के साथ यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। वही वो काम यहाँ पे करवा सकता हूँ, यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है जी, इक्वल टू की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आ रहा है। और दूसरा उसमें ऑप्शन आ रहा है ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो जहां ऑप्शन आ जाए, जहां ऑप्शन नहीं आएगा वहां मैं नहीं करता। जैसे इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स में देखते हैं कि वैसे लेता है नहीं देता, देखते
ठीक है जी, तो ले रहा है, रन करके देख लेते हैं, ले रहा है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कर, पर जहां रिस्ट्रिक्ट करेगा कई जगह आपको, तो वहां आपको ब्रैकेट खोलना ही होगा, ठीक है जी। जैसे एड कमेंट वाला जो हम चला रहे थे उसको देख लेते हैं, बस आपको स्पेस लगाना है या ब्रैकेट लगाना है, नीचे अगर डिस्क्रिप्शन आ गई तो आपका काम हो गया। एड कमेंट का, या अभी स्पेस कर रहा हूं तो आ रहा है, चल रहा है, कई जगह आपका यह चलेगा, पर कई जगह पे आपका अगर नहीं होता है, नहीं दिखाता है, तो आप ब्रैकेट ट्राई करेंगे वहां, ठीक है जी। ब्रैकेट ट्राई करेंगे मेथड के केस में, और प्रॉपर्टी वगैरह में इक्वल टू ट्राई करेंगे, ठीक। इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऑलमोस्ट चल जाता है। अब जैसे डॉट इंटीरियर डॉट कलर प्रॉपर्टी है, स्पेस दबाया कुछ नहीं आया, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये ऐसे चलेगा नहीं। मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दबाऊंगा, और यहाँ पे जो कलर लेता है वो बीबी रेड करके लेता है, बीबी रेड, बीबी ब्लू, बीबी, इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कितने कलर टाइप है, ठीक है जी। और नहीं तो आरजीबी इंडेक्स भी यूज कर सकते, जैसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है जी। दो पैटर्न दे दिए तो इसने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। ऐसे एक्सेस कर सकते हैं सेल को। दूसरा तरीका है हमारे पास एक सेल्स कीवर्ड। सेल में क्या होता है, रो इंडेक्स मांगता है और कॉलम इंडेक्स मांगता है। अब देखिए, सेल को मैं ऐसे स्पेस नहीं दे सकता, ये चलेगा ही नहीं, रेंज को स्पेस नहीं दे सकता, आ नहीं रहे कोई डिस्क्रिप्शन, इनके बाद ब्रैकेट ही खोलना पड़ता है, ठीक है जी। तो रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स, मैं कहता हूं पांचवी रो में तीसरे कॉलम को एक्सेस करो, और वहां की वैल्यू जो है वो कर दे टेस्ट। टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही देंगे, तो यहां पे करता हूं, तो यहां पे ये टेस्ट कर दिया, पांचवी रो में तीसरा कॉलम, ठीक है जी, ठीक है। इसको कब यूज करेंगे, इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं फॉर लूप के साथ, लूप के साथ। जैसे हमने काउंटर यूज किए थे ना, उस काउंटर्स को हम यहां दे देते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, तो सेल भी डायनेमिकली मूव हो सकते हैं कंडीशंस पे, ठीक है सर। तो एक सेल यूज होता है रेंज कीवर्ड और एक सेल कीवर्ड। एक और होता है एक्टिव सेल, एक्टिव सेल, एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव शीट, ये आपके हर जगह यूज होते हैं, जो भी एक्टिव हो वो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, या इसका ऐसा करें फॉन्ट, फॉन्ट में कोई चेंजिंग के लिए ये फॉन्ट का यूज होगा, देन फॉन्ट का कलर बीबी ब्लू, ठीक है। तो एक्टिव सेल जो है उसका फॉन्ट कलर ब्लू हो जाए, ठीक है जी, जो सेल एक्टिव होगी उसका ये काम कर देगा, ठीक है जी। तो यही तीन मेथड है इसमें, इसको एक्सेस करने के। अब इसका सिलेक्शन देखते हैं, देखिए सिलेक्शन कैसे किया जाता है इसके अंदर। अब मुझे कोई काम करने के लिए सिलेक्शन तो करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन के लिए अपने पास एक वो है कि हम यूज करते हैं अपना, कि मैं ले मान लो सिलेक्ट करवा के कोई काम करवाना है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा, ये डील होता है सिलेक्शन से, सिलेक्शन नाम का कीवर्ड है, ठीक है जी। सिलेक्शन डॉट कॉपी, ठीक है, ये कॉपी कर लेगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दू कुछ, मैं यहां से सिलेक्ट कर लू, तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो सिलेक्शन डॉट कॉपी में इसको कॉपी कर लेगा, देख रहे हैं कॉपी, पेस्ट के लिए पेस्ट है, इसको मैं कर देता हूं रेंज ए वन
डॉट पेस्ट, ठीक है जी, जहां पेस्ट करना है पेस्ट, पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये सिलेक्ट कर रखा है मैंने, कॉपी करके पेस्ट कर देगा, कर दिया पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल के जो ऑप्शन है उसको चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे जब वो सुजीत सर ने एक आफ्टर एड का चक्कर दिखाया होगा आपको, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, नहीं मैसेज बॉक्स में जैसे मैं काम करता हूँ, जिस पे इस डाला मैंने, ये सारी चीजें आ रही हैं मेरे सामने। अभी मैं क्या डाल रहा हूँ, खाली मैसेज डाल रहा हूँ, पर ये मेथड क्या कहता है कि प्रॉम्प्ट क्या मैसेज देना है आपने, बटन एज बीबी मैसेज बॉक्स स्टाइल बीबी ओके ओनली, या इस हिसाब से पूछ रहा है। देन टाइटल क्या रहेगा, हेल्प फाइल क्या रहेगी, अटैच करें कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, ये सब सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो इन सबको एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, या तो कॉमा लगाएं, कॉमा के जरिए मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है जी, कॉमा के जरिए क्या आ रहा है, ये बटन, बटन कौन कौन से रहेंगे, तो कॉमा के जरिए ये आ रहा है। मान लीजिए मुझे ये बटन स्टाइल नहीं देना और डायरेक्ट एंटर करना है टाइटल, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ मतलब किसी मामले में आपने देखा है आज तक ऐसा होता कि उसके पैरामीटर हो, आपको जैसे आप ये दिखा दूं कि ये बड़े ब्रैकेट जब लगे होते हैं तो मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है जी, पर मुझे क्या करना है, ये एंट्री नहीं करना और टाइटल एंट्री करना है, तो कॉमा के जरिए तो जा रहा हूं तो वो नेक्स्ट पे जा रहा है, अगले में जाने के लिए क्या मेथड लगता है अपना, ये वाला, इसको इक्वल टू टाइटल इसका ऐसे होता है, क्या होता है टाइटल देखते हैं क्या होता है, टाइटल ए कॉमा, कॉमा डालेंगे टाइटल, ठीक है जी, टाइटल इक्वल टू, ठीक है जी, तो ये जो टाइटल लिखा था ना मैंने इस मेथड से कर दिया, कॉमा डाल के इसको स्किप कर गया मैं, ठीक है जी, इसको स्किप कर गया मैं बीच वाले ऑप्शन, अब देखते हैं टाइटल आता है नहीं आता, तो आ गया ऊपर मैसेज बॉक्स टाइटल मैंने कर दिया, ठीक है जी। तो ये मेथड कॉलन और इक्वल टू लगता है और उसमें जो हेडिंग लिखी होती है उसके साथ, ठीक है जी, कॉमा कर रहे हैं, हेल्प फाइल डालनी है तो कॉमा डाला, हेल्प फाइल और फिर ये कॉलन इक्वल टू, तो ये एक्टिवेट हो गया, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, अब इसके आगे इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि पेस्ट स्पेशल में देखेंगे उसमें भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, है ना, तो उसमें कैसे यूज करेंगे, जैसे ये इतनी सारी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब पेस्ट स्पेशल में मुझे डालना है, ये कह रहा है पेस्ट एज एक्सेल पेस्ट टाइप, तो मैं क्या करूंगा इसको एक्सेल पेस्ट ऑल, ठीक है जी, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, स्किप ब्लैंक यस करने, कॉमा डाला, स्किप ब्लैंक्स कॉलन इक्वल टू टू, ठीक है जी, इस तरह से ये स्किप ब्लैंक एक बार काम बता देंगे मेरे को, स्किप ब्लैंक वो बता देता हूँ, आपने वो वाली एडवांस एक्सेल की क्लास नहीं ली थी क्या,
एडवांस एक्सेल मैंने नहीं किया हुआ। उसमें पहली क्लास में ये सारा बताया है कि एडवांस एक्सेल में मतलब क्या है। चलिए मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप एडवांस एक्सेल पूरा ही देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा हाँ, ठीक वो मतलब पेस्ट स्पेशल का, क्योंकि तो पेस्ट स्पेशल मैं कम से कम आधे घंटे में पढ़ाता हूँ उसको, अच्छा ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें। जब भी तो मैं कह रहा था कि अगर बीबीए आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए, शायद आपसे नहीं कहा पर मैं अपने हर स्टूडेंट को जरूर कहता हूँ, बीबीए स्ट्रॉन्ग तभी हो सकता है जब एक्सेल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो हमने देखा ये सिलेक्शन कीवर्ड जो होता है सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है जी। अब रेंज को सिलेक्ट करना देखते हैं, डाटा बनाते हैं और उस पर थोड़ा सा काम कराते हैं, ठीक है। यहां पे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, पर कितनी वैल्यूज हुई है मुझे नहीं पता। एक लिस्ट है, यहां सीरियल नंबर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, यहां से चालू। अब मुझे पूरी प्रोग्राम से सिलेक्ट करवानी है, मैक्रो से सिलेक्ट करवानी है होल लिस्ट, जबकि मुझे ये नहीं पता कि नीचे क्या है, नीचे कहां तक एंट्री हुई पड़ी है, ठीक है जी। ठीक है, मतलब आपको नहीं पता कि वो 21 मतलब सेल A21 तक है। हाँ, अब उसमें मुझे पता नहीं है, पर मुझे क्या करना है कि ये डेटा, जो भी डेटा है वो सिलेक्ट करवाना होता है ना ऐसे करके। हम तो यहाँ तो ये करके कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि जो भी डेटा सिलेक्ट करवाना होता है हम क्लिक करके कंट्रोल ए दबाते हैं। कंट्रोल ए का मतलब पहले क्या होता था, सब कुछ सिलेक्ट करना था, अब क्या होता है कि स्पेसिफिक डेटा को करता है, ठीक है। थोड़ा सा डेटा और भी वो कर लेता हूँ ताकि समझने में, ठीक है जी। तो कंट्रोल ए दबाऊंगा तो ये मेरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से करना है तो अपने पास एक तरीका है, रेंज में हमने A1 ले लिया, मतलब ऊपर तो हमें पता है नीचे नहीं पता कितना है, डॉट। अब ये भी हमारे पास होता है, अगर ये जो कंट्रोल ए दबा रहा हूं मैं, इसका बेसिक फंक्शन कहां पे है, इसका फंक्शन अवेलेबल है फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल में, और ये होता है रीजन, करंट रीजन वो काम करता है, ठीक है जी। जब तक मुझे ये चीज नहीं पता होगी मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करना है, डॉट करंट रीजन डॉट सिलेक्ट, ठीक है जी। जैसे ही मैंने ये किया ये मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया जी। तो सर एक चीज पूछनी थी, आपने तो A1 का दिया ना, इसमें B1 कैसे सिलेक्ट हो गया, B कैसे सिलेक्ट हो गया? सर जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल ए दबा रहा हूँ तो सारा सिलेक्ट हो रहा है ना, मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं फाइंड एंड सिलेक्ट में गया, गो टू स्पेशल में गया और करंट रीजन पे क्लिक करके ओके कर दिया, तब भी तो सिलेक्ट हो रहा है। पहला मैंने यहाँ अच्छा कर्सर ठीक है रखा फिर करंट रीजन सिलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। ठीक है वही चीज यहाँ होगी, तो ओके। ये तो हो गया करंट रीजन। बाकी मोस्टली हम क्या यूज कर सकते हैं, एक मेथड होता है हमारे पास कि कंट्रोल करके एरो की डाउन करते हैं, कंट्रोल करके अप करते हैं फिर ऊपर गए, ये भी मेथड होता है ना अपने पास, कंट्रोल शिफ्ट करके एरो दबाया इधर का सिलेक्ट कर दिया, नीचे दबाया एरो कंट्रोल शिफ्ट दबा के, तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब ये कंट्रोल शिफ्ट का क्या चक्कर है, ये कैसे चलाना है। सेकंड मेथड होता है इसका आपका कि आपके कीबोर्ड पे एंड का बटन होता है, तो जैसे ही एंड का बटन आप दबाएंगे तो यहां पे नीचे लिखा हो जाता है एंड मोड। एंड मोड में क्या है कि एरो की कोई भी की दबाएंगे तो वो डाटा के लास्ट में पहुंच जाएगी, ठीक
ठीक है जी। जैसे मैं डाउन एरो की दबा रहा हूं तो डेटा के लास्ट में पहुंच गई, ठीक है जी। एंड की वैसे अगर दबाएंगे तो क्या करेगी, एंड मैंने की दबाया और फिर लेफ्ट का ये दबा दिया, ये राइट की एरो की दबा दी तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में पहुंच गए। एंड दोबारा दबाया और लेफ्ट वाली की करी तो सबसे स्टार्टिंग में पहुंच गया। एंड मोड दबाया, डाउन की करी तो सबसे लास्ट की रो पे पहुंच गया। और एंड की दबाया, जब मैंने लास्ट में आके अप की करी तो वहां पहुंचा कहीं डेटा की बात हो रहा था। अगर मैं यहां पे भी हूं, कहीं पे भी हूं, एंड की दबा के लेफ्ट की दबा रहा हूं तो डेटा के स्टार्टिंग में पहुंच जाती है, एज पॉइंट, डेटा के एज पॉइंट पे। यहाँ पे भी मुझे करना है, ऊपर वाला तो मुझे पता है, नीचे पता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि तुक्के से ले लेता हूँ कि कोई भी सेल जैसे 6500, A6500 या A100 ले ली मैंने, ठीक है। अब एंड का बटन दबाया और अप सिलेक्ट किया, अप एरो की दबाई तो मैं डेटा के एज पे पहुंच गया, ठीक है जी। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सिलेक्शन के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, अप दबा दूंगा, ठीक है जी, पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है जी, यहां तक। एंड दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, राइट दबाया, ठीक है, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो एंड मोड नाम की कोई चीज है, ये मैंने बताई आपको, और वो वर्क कैसे करती है, मोस्टली आप उसी का ही यूज करेंगे, पूरी एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये चीज है। कैसे करेंगे उसको दिखाता हूं। तो मैंने शुरुआत करनी है कॉलम ए से। मैं क्या करूंगा, रेंज में मैंने ले लिया A6500, मैक्सिमम लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज्यादा डेटा लोग इस शीट में रखेंगे भी, तो लिमिटेशन उतनी देनी है। अगर वो ज्यादा रखते हैं तो आपको और नीचे से शुरू करना पड़ेगा, A1 लाख से या जहां से, ठीक है जी। फिर मैंने क्या दबाया था, एंड की दबाई थी, कहीं कर्जर रखने के बाद एंड की दबाई थी, तो यहाँ पे टाइप कीजिए एंड, ठीक है जी। अब एंड के बाद आप स्पेस देंगे तो कुछ आने आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेल डाउन लेफ्ट, एक्सेल टू राइट, एक्सेल टू अप, ठीक है जी, चार कीवर्ड है ये आपको दिखा रहा है। तो मुझे कहाँ जाना है, तो एक्सेल अप, ठीक है जी, एक्सेल अप टैप करेंगे, सिलेक्ट हो गया, देन डॉट दबाया मैंने, पर इस तरीके से करेंगे तो अगला वाला आपको नहीं है दिखा रहा है, तो मुझे क्या करना है, ये वाला करना है, क्योंकि आगे भी मैं चाहता हूं ऐसे ही चलता रहे। स्पेस आता है तो कोई अगली लिस्ट दिखाए ना दिखाए इसकी मर्जी होती है। तो एक्सेल अप सिलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया, डॉट, ठीक है जी, और मैंने कहा इसको कर लो सिलेक्ट। अब इसको पहला एज मिल गया, कि एज मिल गया यहां पे, ठीक है जी। देन मैं क्या करूंगा, अब ये अगर सिलेक्ट हो गया है तो ये मैं इसको डील कर सकता हूं सिलेक्शन कीवर्ड से, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, रेंज कौन सी वाली लेनी है, सिलेक्शन, ठीक है जी, सिलेक्शन, और दूसरे में कर दूंगा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप। अब यहां मैं सिलेक्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि सिलेक्ट लगाऊंगा तो एक काम करना शुरू कर देगा, ठीक है जी, मुझे खाली रेफरेंस चाहिए, और इसके बाहर लगाऊंगा सिलेक्ट, ठीक है जी, ये यहां सिलेक्ट। अब देखिए मेरे को कुछ समझ नहीं आया, जो सेकंड वाला आपने करा है ना रेंज वाला, वो मेरे को समझ नहीं आया। देखते मैं बताऊं, ये जो है ना आपका सिलेक्शन एंड एक्सेल, अगर रेंज को मैं खाली लिख देता हूं ना तो उसका मतलब होता है जैसे A1, इसका मतलब A1 है, तो अगर ये एंड एक्सेल करके यहां तक मैंने छोड़ दिया तो मतलब मैंने कर्सर मूव करा के छोड़ दिया, उसको सिलेक्ट करने को नहीं बोला, तो छोड़ने का मतलब होता है रेफरेंस, कि मैं A1 बोल रहा हूं, कोई काम नहीं बता रहा, तो इसका मतलब हुआ कि जो सेल पे पहुंच गया बस वहीं रुका रहे, कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसे ये इसमें A1 दे रहा हूं ना,
अगर कुछ करवा दूंगा तो इसकी तासीर बदल जाएगी, ठीक है जी। तो उस सेल को रेफरेंस को इसके अंदर देने के लिए मैंने इसमें कुछ करवाया नहीं है, मतलब सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप करके वो जिस पोजीशन पे है वो इसमें रेंज के मेथड में पास हो गई, ठीक है जी, और कुछ नहीं हुआ। पहले उसने उठाई कि सिलेक्शन कहाँ पे है, तो पहले ये करेगा A6500 पे जाएगा, एक्सेल अप जाया गया, इसको देखिए 6500 को सिलेक्ट नहीं किया उसने, 6500 से ऊपर गया और जहां रुका वो वहां सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन के अंदर वो रेफरेंस आ गया, ठीक है जी, सिलेक्शन से भी मैं कुछ करवा नहीं रहा हूं, ठीक है जी, सिलेक्शन का मतलब वो रेफरेंस। अब सिलेक्शन डॉट एक्सेल अप करके इसने वही रेफरेंस लौटाया यहाँ पे, जहां पहुंच गए वहां रुके रहो, वही पास हुआ है इसके अंदर। अब जो रेंज आई उसको मैंने सिलेक्ट करवा दिया, ठीक है जी। तो इसको जब प्ले करेंगे तो आपका ये डेटा सिलेक्टेड है। और अब भी एक चीज कर सकते हैं, रेंज सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, राइट में जाएगा, एक्सेल टू राइट लिखा जाता है, वो कई बार नहीं आता है तो आप इसको मतलब वैसे लगा सकते हैं, कैपिटल हो गया तो मतलब चल गया आपका, ठीक है, डॉट सिलेक्ट, ठीक है जी। अब करूंगा, देखूंगा तो पूरा डेटा सिलेक्ट है, ठीक है जी। तो ये जो कीवर्ड है ना, हम बार 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 यूज करेंगे, सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा, ठीक है जी। तो मान लीजिए उसका कलर चेंज करवा दिया या जो भी करवा दिया, सिलेक्शन को डील करने के लिए। अब देखिए, पहले अब जो आपने रिकॉर्डिंग मैक्रो देखा था ना, तो रेंज में आके कोई भी काम आ गया तो वैल्यू ट्रांसफर का आपको पता है। अगर मुझे लास्ट सेल की वैल्यू चाहिए तो मैं यहां सिलेक्ट नहीं करूंगा, यहां पे कर दूंगा डॉट वैल्यू, ठीक है जी, तो लास्ट की वैल्यू दे देगा मुझे। और अगर मान लीजिए मुझे, मैं ये मेथड नहीं करना चाह रहा हूं, तो ये जहां जा रहा है मुझे सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं, जैसे अप चाहिए ना मुझे, तो इस अप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ए टू लिख सकता हूँ, क्योंकि तो मुझे पता है हेडिंग यहां से स्टार्ट हुई है, ऐसे भी लिख सकता हूँ तो भी काम कर देगा। मतलब जो लास्ट है, जैसे यहां पे तो इधर जा रहा है, जैसे यहां जरूरत पड़ेगी पर ऊपर आने में नहीं पड़ेगी, जैसे नीचे से ऊपर आया था ना यहाँ, तो यहां जैसे मुझे पता था कि ए टू है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी सिलेक्शन एंड करने की, क्योंकि मुझे पता है मैंने जैसे फॉर्मेट बनाया तो मुझे पता है डेटा दूसरे से स्टार्ट है, खाली इतना ही सिलेक्ट करो। अब मान लीजिए सिचुएशन है कि मुझे दो तक ही सिलेक्ट करवाना है, हेडिंग तो छोड़नी है, काम मुझे डेटा पे करवाना है, खाली हेडिंग छोड़ देनी है, ठीक है जी। तो उस केस में ये यूज होगा, खाली डेटा सिलेक्ट करवाना है, मैंने ए टू में बदल दिया यहां से, और अब मैं अगर सिलेक्ट कराऊंगा तो डेटा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है जी, क्योंकि यहां पे मैंने एक्सेल अप नहीं किया था दोबारा से, अप में वो सीधा पार बोलता है, यहां मैंने लिमिट दे दी कि भाई इसी सेल तक सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। राइट में मैंने कहा कितना करो जहां तक डेटा हो, ठीक है जी। वैसे सबसे बेस्ट है अगर करंट रीजन कर लेंगे तो इन सब की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका था सिलेक्शन के बारे में। बाकी अब आपने करना क्या है, इन पे काम करवा करवा के देखने, मान लीजिए आपको इस डेटा पे सिलेक्ट करके फिल्टर लगाना है, ठीक है जी। तो डेवलपर में गए, ये इसको सिलेक्ट आपने कर लिया है या इसको ना भी किया, रिकॉर्ड मैक्रो कर लीजिए, वैसे कोड जानने के लिए पूरा काम करके रखें, बस वही ऑप्शन क्लिक करें जो जिसकी जरूरत है, रिकॉर्ड मैक्रो किया मैक्रो वन। अब मैंने क्या करना है, फिल्टर लगाना है, तो डेटा में जाके जैसे फिल्टर अप्लाई कर दिया मैंने, लग गया। अब ये डेवलपर से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, वापिस आ गया तो देख रहा हूँ मॉड्यूल 2 है, इसके अंदर है सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर नाम से लगा हुआ है,
ठीक है जी। तो मुझे ये पता पड़ गया कि अब ये जो सिलेक्शन है, अगर मुझे मुझे इस पे ऑटो फिल्टर लगाना है तो क्या करूंगा, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, फिल्टर लगाना है तो ये कोड चलेगा। तो जैसे ये करूंगा, अभी फिल्टर लगा था इसलिए हट गया, ये करूंगा तो ये लग गया, ठीक है जी। अच्छा, मतलब रिकॉर्डिंग मैक्रो की भी हेल्प लेके देखा जा सकता है कोड थोड़ा बहुत ना? बहुत थोड़ा बहुत नहीं, सारा काम ही उसी से करना है आपने। आप कितने कोड याद रखेंगे ये बताइए। अच्छा ठीक है। आप देखिए सिंपल सी बात है, पाइवट टेबल लगाना है। तो अभी मैं फिल्टर हटा देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे कोड है ना मुश्किल मुश्किल, वो सारे ऐसे ही डीकोड होंगे। रिकॉर्ड मैक्रो किया, ओके किया, इंसर्ट में गया मैं, पाइवट टेबल, ओके कर दिया, पाइवट आ गया यहाँ पे। बाकी आगे का काम देखने के लिए बाद में, अभी एक एक स्टेप पे चलेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डेवलपर में जाके स्टॉप कर देता हूँ। अब पाइवट टेबल अप्लाई करने का क्या फंडा है, अगली शीट में आया तो ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, कोड में। ये देखिए शीट्स डॉट एड वो वाला चला अपना, एक्टिव वर्कबुक डॉट फाइवर कैशे क्रिएट सोर्स टाइप एक्सेल, ये सब आपका। अब जहां शीट का रेफरेंस यूज हुआ है कि कहां लगाना है, वहां अपना रेफरेंस दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, R1C1 रिलेटिव रेफरेंस। एक्चुअली क्या है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो में यूज रिलेटिव रेफरेंस हो रखा है, इसको R1C1 ना करके अपना वो दे देंगे डायरेक्ट काम। A1 मतलब A1 से जो भी हो, हाँ A1 B1 से A1 मतलब A22 B जो भी हो। तो अगर मुझे ये चलाना है, यहाँ से कट करके ले गया मैं और यहाँ से ऑटो फिल्टर हटा देता हूँ। अब देखिए कोड को कैसे चेंज करना, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बाकी सारा काम यहीं से होगा। शीट डॉट एड, शीट डॉट एड करेंगे, एक्सेल डेटाबेस सोर्स टाइप, सोर्स जो है R2 1 रो 21 कॉलम, यहां पे डाल देंगे सिलेक्शन, इसमें करना है नहीं कुछ। सिलेक्शन और ये तो नया वाला सेल हो गया, ये नया वाला एड्रेस हो गया सोर्स डाटा। अच्छा ये नया वाला एड्रेस है। हाँ ये सोर्स डेटा नहीं, वही पुराना है यार, तेरी कहाँ गया। सिलेक्शन टेबल डेस्टिनेशन, ये नई सीट में कहाँ पे जाना है, ठीक है नई शीट में कहाँ पे जाना है। तो पहले तो इसका तो ऐड शीट हुई है तो उसका तो नाम जानना जरूरी है, ठीक है जी। हाँ ऐड हुई है तो इसका नाम कैसे देंगे हम, शीट जैसे शीट होगी वो एक्टिव शीट होगी, ठीक है जी। एक्टिव शीट डॉट नेम करके एक प्रॉपर्टी है, मतलब वो एक्टिव शीट का नाम क्या है, इसको मैं कहीं पे सेव करा लेता हूँ, डिम एस एज स्ट्रिंग और एस के अंदर सेव करा लेता हूँ एक्टिव शीट का नाम, जहां पे भी मैं यूज करूंगा ये एस को कर दूंगा, ये शीट वो वाली। ये आपने क्यों किया, ये सब क्यों कर रहे हो आप? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस कोड को फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूँ, मुझे एक बार तो शीट अप्लाई नहीं करनी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शीट 7 सिलेक्ट, पर जब मैं दोबारा दोबारा पाइवट लगाऊंगा हर बार 7 ही थोड़ी आएगी, 8 आएगी, 9 आएगी, 10 आएगी, है ना, चेंज होगी ना। तो ऐड तो कुछ भी हो पर उसका नाम मुझे फिर एस में सेव करा देना है कि उसका नाम है क्या, क्योंकि पाइवट टेबल में इसमें मुझे एक्सेस करना पड़ रहा है ना उसको, ठीक है जी। अब इसमें जो है टेबल डेस्टिनेशन, अब यहां पे कहां जाना है, इसमें
यहाँ पे लगा दूंगा अपनी शीट्स और क्या लगा दूंगा उसका नाम ऐसे ले लेगा ये, ठीक है जी। देन डॉट रेंज और A1 पे लगानी है, ठीक है जी, यहाँ लग गई, ठीक है जी। फिर शीट्स डॉट सिलेक्ट ये वाला फालतू, अब देखते हैं पाइवट टेबल लगती है कि नहीं। यहाँ इस पता नहीं मैंने बैकअप क्या किया, रन कर दिया, हाँ एरर कहाँ आ रही है, इसमें सिलेक्शन में एरर आ रही होगी क्योंकि एक्टिव शीट में वो पुराना सिलेक्शन नहीं लेता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा कोड मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहां तक ठीक है, अभी तक ये एक्टिव शीट थी, अब मुझे पुरानी वाली शीट एक्टिव करानी है। तो शीट्स क्योंकि किसी शीट पर काम करने के लिए मुझे वो शीट एक्टिव करानी पड़ेगी, या तो मुझे नाम पता हो, नहीं तो मैं जब ये मैक्रो चलने से पहले इसका नाम सेव कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट मुझे पता ही होगा इसका नाम क्या है। तो शीट 1 है, इसका स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, इंडेक्स नंबर से भी यूज कर सकते हैं जैसा कि आपको पता था। एक्टिवेट देन एस डॉट एक्टिवेट करा दो, अदरवाइज मुझे सिलेक्शन में उसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देख रहे हैं कि ये टेबल लग चुकी है, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अब देखिए कोड चला कैसे, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है जी। मैंने क्या किया, पाइवट टेबल का कोड कॉपी किया, उसमें देखा कि इसने सोर्स टाइप एक्सेल डेटाबेस था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, सोर्स डेटा जो था वहां पे कुछ लिया हुआ था। पाइवट टेबल में सोर्स डेटा वो है जिसके ऊपर पाइवट लगता है। तो सिलेक्शन मैंने कहां से लिया था आपने, सिलेक्शन मैंने कहां से लिया था, अच्छा सिलेक्शन पहले से ही हुआ पड़ा था इसलिए वो ले गया, अदरवाइज वो हमारा कोड जो था ना वो काम करता। मैं पुराना कोड वापस ले आता हूं, ये वाला, इसको मुझे यहां पे डालना। शीट ऐड तो करा दी, पर अब शीट ऐड जब हुई तो वो वाली एक्टिव हो गई, और सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप जिस शीट में सिलेक्शन कर रहे हैं वो एक्टिव ना हो, ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, अभी तो चल जाएगा ये, पर अभी कब कहां सिलेक्शन करेगा, जो नई शीट आपने खोली थी उसमें, क्योंकि इसके आगे मैंने डॉट शीट तो लिखा नहीं है कि कौन सी शीट में सिलेक्शन करें। हाँ 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 तो बेटर है कि उस शीट को मैं पहले एक्टिवेट करा लूं, शीट 1 डॉट एक्टिवेट, ठीक है जी, तो ताकि सिलेक्शन सही जगह करे। अब जो उसके बाद का काम करें वो था कि जो डेटा था वो कहां से लेना था, इसमें सिलेक्शन से लेना था, ठीक है जी। ये इसका नाम कुछ भी रखे, नाम चाहूं तो मैं, नाम भी सबका सेम नहीं रख सकते आप, अगर दूसरा पाइवट इंसर्ट करना है तो पाइवट का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, तो या तो लूप ठीक है का हम वो ले सकते हैं, लूप को ले सकते हैं कि इसका नाम चेंज कराते हैं, इसी तरह जैसे हमने एस करके लिया है ना, ऐसे ही नाम चेंज करा सकते कराते रहे कि पाइवट टेबल के आगे ये एस जो है वो ऐड कर दे, और जैसे कंकैटिनेट कर देते हैं ना, तो चाहो तो मैं कंकैटिनेट कर दूं एस को, तो इसका नाम अलग से बदल जाएगा,
शीट के नाम के साथ जुड़ते ही अलग अलग होने लगे, तो ये भी कंट्रोल्ड हो गया। अब मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, ठीक है जी। अब सिलेक्टेड नहीं है, अब देखते हैं कहाँ करते हैं, तो देखेंगे कि अपना काम हो गया, ठीक है जी। फाइल टेबल लग गया। अब करता हूँ, अब शीट स्ट्रिंग जो मैंने डिक्लेरेशन की थी वो लिया था शीट का नाम सेव कराने के लिए, जो मैंने ऐड कराई वो शीट का नाम मैंने सेव करा दिया एस के अंदर। उसके बाद मैंने शीट वन को एक्टिवेट कराया और रेंज 6500 पे गया और वो सिलेक्शन मेथड के थ्रू डेटा सिलेक्ट हो गया। और वो सिलेक्ट है तो वो किस में है, सिलेक्शन में है, ठीक है जी। फिर ये वाला रिकॉर्ड मैक्रो किया था मैंने, एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक पाइवट टेबल क्रिएट सोर्स टाइप, और यहां से इसने सिलेक्शन लेके जहां से करना है कर दिया। सिलेक्शन से उसने सोर्स डेटा लिया, टेबल डेस्टिनेशन कहां करनी है वो यहां कर दी इसने, कि शीट एस में जाके रेंज A1 ले ली। बाकी मैंने नाम चेंज करा दिया, बाकी किसी और चीज की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, समझने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। तो मेरा काम जिससे हो रहा है बस वही जानने की जरूरत है, जो कि मैं रिकॉर्ड मैक्रो करके थोड़ा सा एडिट करके ऐसे कर सकता हूँ। ये मैंने पहले से क्यों चेंज कर दी, क्योंकि मैं कई बार कर चुका हूँ, कहाँ एरर आती है वो, इसलिए मैंने ये तीन चीजों को चेंज किया। तो इसी तरह से मैं कहने का मतलब ये है, पाइवट टेबल अभी नहीं सिखा रहा मैं आपको कि लगानी कैसे, मैं ये बता रहा हूँ कि चीजों को करना कैसे, कोड कहाँ से मिलने हैं। मान लीजिए जैसे इसका कोड है, आपको ये बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने का कोड नहीं पता, मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे सीधे। अब मैं यहां से गया और सीधे बॉर्डर लगा दिया, यहां से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिए। अब यहां जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा, मैक्रो में मैं जाके देख लूंगा कि क्या कोड है यहाँ मैक्रो, तो मुझे दिखा बॉर्डर का वैसे बहुत लंबा चौड़ा कोड होता, तो ये रहा, ठीक है जी। इसका मतलब भी समझा देता हूँ, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स डायगनल डाउन, पहले इसने लाइन स्काई को नन किया, जो पुराना बॉर्डर था वो हटा दिया। फिर ये क्या कर रहा है, विद सिलेक्शन एक्सेल एज, ये विद का भी मैं बताऊंगा। जैसे हम ये ना सिलेक्शन के बाद बॉर्डर्स लगाते हैं, मान लीजिए सिलेक्शन में कॉपी भी करना होता तो बार बार ये सिलेक्शन डॉट ना लगाना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, विद के साथ में उतना ले लेता हूँ जितना मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद डॉट 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 करके उसकी वैल्यू दे सकता एंड में, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, लेफ्ट के लिए क्या सेटिंग आनी थी, टॉप के लिए क्या सेटिंग आनी थी ये लिखा हुआ, बॉटम के लिए क्या सेटिंग आनी थी, कौन सी लाइन यूज हो रही है, राइट के लिए क्या सेटिंग आनी थी, इनसाइड वर्टिकल के लिए क्या, इनसाइड हॉरिजेंटल के लिए क्या, तो इसलिए इसका कोड लंबा हो जाता है, ठीक है जी। अब जहां भी बॉर्डर आपने अप्लाई करना हो तो बस सिलेक्ट करा के और ये कोड को कॉपी कर दीजिए, अपने आप बॉर्डर अप्लाई हो जाए, ओके, ठीक है सर। तो इसी तरह से आप अब प्रैक्टिस इसमें क्या करनी है, ये चलिए मैं शीट भेज देता हूँ रेफरेंस के लिए, मैक्रो रेंज शीट में आपको भेज दूंगा अभी। और प्रैक्टिस क्या करनी है कि आपने यहां से ना थोड़े थोड़े सबका आप देख लीजिए कि कोड है क्या, रिकॉर्ड कर करके, रिकॉर्ड कर करके एक एक का वर्ड में लिस्ट बना लीजिए, एक्सेल में लिस्ट बना। सबका कोड क्या है, मतलब सबका कोड क्या है, कि जैसे मुझे मर्ज एंड सेंटर करना है तो उसका कोड क्या है। अच्छा हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, एक एक ऑप्शन बस, उसका कोड क्या है। अच्छा, खाली एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में उसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो पहले तो सबका जितने भी ऑप्शन है उनका कोड कर लीजिए, क्योंकि मैक्रो में वही करते हैं जो हम एक्सेल में करते हैं। मैं माउस से जा रहा हूँ, डेटा में चला गया, फिल्टर लगा दिया, सॉर्ट कर दिया, तो इन सबके कोड जो है हैंड ऑन हो जाए, ठीक है जी। ना याद हो तो रिकॉर्ड करके हो जाते हैं, पर प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरीके से पहले, ठीक है जी। उसके बाद आपको सिलेक्शन का समझ आ गया कि सिलेक्शन करना कैसे है, ठीक है।
इनका कॉम्बिनेशन मिला के आप अभी भी काफी सारे मैक्रो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके बाकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इसमें, ऐसा ठीक है। तो सर नहीं। मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे जो मैक्सिमम मैक्रोस का स्कोप क्या होता है, मतलब जो काम हम करते हैं हाँ उनमें, एक तो एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शंस के साथ कंबाइन करके हम लूप्स वगैरह बना के काम को दोबारा दोबारा करवा सकते हैं, है ना। हाँ एक तो मतलब मेरे को तो इतना ही पता है कि तुम मैक्रो से इतना ही कर सकते हो, तुम और क्या कर सकते हो मैक्रो से, मतलब और ऐसी क्या चीजें हैं जो एक्सेल के अंदर तुम अपने से नहीं कर सकते जो मैक्रो से करवा सकते हो। मैक्रो से मैं बताता रहा हूँ, जैसे आपको, आप किसी मेथड को आप मान लीजिए एडवांस एक्सेल जानते हैं, तो आपको काम करने में देर नहीं लगती है चीजों को। जैसे मैं पाइवट टेबल लगाना जानता हूँ, तरह तरह की रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, एक अगला बंदा जिसको आता ही नहीं है कि करना कैसे, ठीक है जी, या आपको भी 15-20 मिनट लगते हैं उस रिपोर्ट को बनाने में, तो हम क्या करेंगे, उसको मैक्रो डिजाइन करेंगे उसके लिए, उस काम के लिए, और नेक्स्ट बिल्कुल टाइम वो काम आने पे, हाँ काम भी वही जो बार बार हमारे पास डेली का आता रहता है, वही उसी टाइप का काम। ओके अब उसका ओके मैक्रो ठीक डिजाइन करेंगे, जहां वो 15 मिनट ले रहा है, वो अब कुछ सेकंडों का काम रह गया, ठीक है जी, ठीक है ये होता है इसका फंडा सारा। और धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ओके प्रोजेक्ट भी आपको एक दे दूंगा कि कैसे करना है, प्रोजेक्ट मेरे पास बहुत आते रहते हैं, एक आधा प्रोजेक्ट मैं आपसे बनवा दूंगा, ठीक है ठीक है जी, सर, आप मेरे को हाँ दे देना प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपको खूब मत्था मारना पड़ेगा, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम भी फंसे थे, वैसी आपको दिखाऊंगा फंसने वाली चीजें, ठीक ठीक है सर, है जी, तो वो ठीक है चीजें कैसे की, अब जैसे अभी मेरा जर्मनी से जो चल रहा है वो शेयर पॉइंट का था, काफी हमने मशक्कत लगा दी, शेयर पॉइंट का कोड नहीं मिला, ठीक है जी, इंटरनेट पे एक ही जगह, एक दो जगह अवेलेबल, और वो उसमें अपलोडिंग फंक्शन चल नहीं रहा, पता है वहां क्या काम आया, सेव एज का फंक्शन, कि फाइल को उस लोकेशन पे बस सेव एज कर दो, ठीक है जी, तो इतना मत्था ओके मारने के बाद भी कई बार काम नहीं होते और छोटी सी चीज चल जाती है वहां, ठीक है तो ये ओके डेवलपर के साथ प्रॉब्लम आती है। बाकी हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, नेट पे बहुत कोड अवेलेबल है, बहुत कोड, कुछ भी करवाना चाहे उस चीज का कोड, हाँ पर ये बड़े बड़े कोड नहीं, ठीक है आपको इस लेवल तक पता है, जैसे मैं बताया कि अभी जो आज मैंने बताया चीजें, सिलेक्शन पता है, ये सब करवाना है, कोई चीज नहीं पता, वहां सर्च कर लीजिए कि वो कैसे करवाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, वहां से कोड मिल जाएगा, ठीक है जी, रिकॉर्ड ठीक है में थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड कोड आ जाता है, ठीक है, जो ठीक समझ है नहीं आता, तो बाहर से इजी कोड भी मिल जाता है, वो कॉपी पेस्ट कर दिया समझ, ठीक है जी, ओके इतना मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इस चीज की, 35 क्लास इसीलिए लगती है, मटेरियल ज्यादा नहीं है इसका, बस ये है कि ठीक प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, है ठीक है सर ठीक है ठीक ठीक है जी, है फिर मिलते हैं कल, ठीक है ओके। ठीक है। अच्छा सर,